हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, काइनेमेटिक ऑफ मशीन जिसको कॉम बोला जाता है, और दूसरा होता है डायनामिक ऑफ मशीन जिसको डॉम बोला जाता है। ठीक है, तो पहले अपन कॉम के बारे में, काइनेमेटिक ऑफ मशीन का जो पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कोई भी अपना मशीन एलिमेंट होता है, कोई भी मशीन एलिमेंट होता है अपना, वो अलग अलग, उसके कोई भी मशीन होता है उसके अलग अलग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन होता है उसके अलग अलग एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट रहता है कोई भी मशीन का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है अपना लिंक होता है। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसमें एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लिंक होता है। ठीक है, अच्छा, दो लिंक को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे कि ये छोटा सा लिंक हो गया, इस तरीके का लिंक हो गया, एक लिंक हो गया, उससे दूसरा लिंक इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा लिंक इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा लिंक इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया लिंक वन बोलता हूँ, ये लिंक वन हो गया, ये हो गया लिंक टू। लिंक वन और लिंक टू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है उसको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक है, देखो ये हो गया लिंक वन और ये लिंक टू, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो पेयर बने, जिस पॉइंट के थ्रू जुड़े हैं वो क्या कहलाता है, ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे करके, अब जैसे ये पहला लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया, तीसरा लिंक हो गया, चौथा लिंक हो गया, ये पांचवा लिंक हो गया, छठवा लिंक हो गया, छह लिंक है। दूसरे पहला लिंक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया। अगर कोई ऐसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पहला लिंक लास्ट लिंक से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है, चेन कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने बचपन में साइकिल चलाई होगी, साइकिल में भी क्या रहता है, चेन देखे होंगे, साइकिल का चेन, उसमें भी क्या रहता है, पहला लिंक लास्ट लिंक से जुड़ा रहता है, तो वो क्या बनाता है, चेन बनाता है। अब ये लिंक के बीच, इन लिंक के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस तरीके से रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये इधर मोशन करे, इधर किसी दूसरे डायरेक्शन में मोशन करे, किसी तीसरे चौथे ऐसे डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब सभी लिंक के बीच एक दूसरे के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वो क्या बनाता है, काइनेमेटिक चेन बनाता है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पहला लिंक लास्ट लिंक से जुड़ा रहता है, तो वो क्या बनाता है, चेन बनाता है। और उसमें अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या बनाती है, अपनी काइनेमेटिक चेन बनाती है। ठीक है, अब काइनेमेटिक चेन से मैकेनिज्म कैसे बनता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। अगर इन लिंक में, ये जो अपना छह लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, और किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर दिया, इस तरीके से लिंक सिक्स को मैं फिक्स कर दिया, और बाकी सब के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मैकेनिज्म बनाता है। ठीक है, अगर पहला लिंक लास्ट लिंक के साथ जुड़े तो चेन, और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो क्या बनाएगा, अपना काइनेमेटिक चेन, और किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं अदर लिंक को फिक्स करूंगा और उसके मोशन के बारे में स्टडी करूंगा। ठीक है, जैसे लिंक वन को फिक्स कर दिया और अदर सभी के मोशन के स्टडी किया, फिर क्या किया, मैं लिंक टू को फिक्स कर दिया और सभी के मोशन के स्टडी किया, तो वो क्या बनाता है, इन्वर्शन बनाता है। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सब चीज क्या है, ये एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको क्लियर समझिए। जो भी मशीन एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट, जो भी मशीन है उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा लिंक कहलाता है। ठीक है, दो लिंक एक दूसरे से जुड़ते हैं, दो लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहां क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और जिस पॉइंट से जुड़े जाते हैं, जैसे लिंक वन और लिंक टू हो गया, यहाँ पर वो क्या बना दिए, पेयर बना दिए, और जिस पॉइंट से जुड़े रहते हैं वो क्या बनाते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर बहुत सारे लिंक है और पहला लिंक लास्ट लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या बनाता है, चेन बनाता है। और उन्हीं चेन में, उसी लिंक, उन्हीं से मतलब क्लोज स्ट्रक्चर जैसे चेन का बना हुआ है, चेन बना हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, लिंक के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वहां क्या बनता है, काइनेमेटिक चेन बनता है। ठीक है,
अब देखो काइनेमेटिक चेंज में क्या हुआ कि किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर दिया, किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर दिया और बाकी सभी लिंक के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वहां क्या बनता है, मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, अब क्या करूंगा, अदर लिंक को फिक्स करूंगा, उसकी मोशन की स्टडी करूंगा। जैसे कि लिंक वन को फिक्स किया, उसकी स्टडी किया, लिंक टू को फिक्स किया, उसकी स्टडी किया, लिंक थ्री को फिक्स किया, पूरा मोशन की स्टडी किया, लिंक फोर को फिक्स किया, पूरा मोशन की स्टडी किया, तो वहां क्या बनता है, इन्वर्शन बनता है। ठीक है, तो आपके कोर्स में दो इन्वर्शन है, एक है अपना फोर बार लिंक मैकेनिज्म है, फोर बार लिंक मैकेनिज्म है, दूसरा स्लाइडर क्रैंक लिंक मैकेनिज्म है ना। ये आगे पढ़ेंगे इन्वर्शन के बारे में, तो पहले इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है मशीन का। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसका, मशीन का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, लिंक होता है। स्मॉलेस्ट मशीन एलिमेंट ऑफ मशीन इन विच एनर्जी ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, क्या कहलाता है, वो लिंक कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये लिंक कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक ये कितने टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, अपना रिजिड लिंक होता है, रिजिड लिंक होता है। ठीक है, रिजिड लिंक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अपना फ्लेक्सिबल लिंक होता है, फ्लेक्सिबल लिंक होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, हमारा फ्लूइड लिंक होता है, फ्लूइड लिंक। ठीक है, तीसरा क्या होता है, फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक क्या होता है, जिसमें एनर्जी ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में कोई डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, डिफॉर्मेशन नहीं होता उसमें, डिफॉर्मेशन नहीं होता। मानता हूं ये कोई एक लिंक है, अगर इसको मैं बीच में फिक्स किया हूं, अगर इसमें एनर्जी आई तो ये एनर्जी आगे ट्रांसमिट करेगा, इसमें खुद में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। मतलब जो लिंक का जो मतलब मशीन एलिमेंट होता है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको क्या कहा जाता है, रिजिड लिंक होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, जो फ्लेक्सिबल लिंक रहता है उसमें डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, अगर स्प्रिंग को मैं किसी मशीन एलिमेंट में एक लिंक की तरह यूज करूं तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। जब फोर्स लगाता हूं तो उसमें क्या होता है, दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जैसे फोर्स रिलीज करता हूं क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जाम्पल है। तीसरा होता है फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक क्या होता है, जब एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, जब एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, अच्छा फ्लूइड से क्या मतलब होता है आप लोगों का, फ्लूइड से क्या मतलब होता है आप लोगों का, फ्लूइड के अंतर्गत आता है आप लोगों का जो आपका लिक्विड होता है वो भी आता है, गैस होता है वो भी आता है। ठीक है, फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो जब एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, जब एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए अपन फ्लूइड का यूज करते हैं, जब एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए अपन फ्लूइड का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फ्लूइड लिंक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहां मैंने फोर्स लगाया है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यहां मैंने फोर्स लगाया है, तो ये लिंक क्या करेगा, अपना एनर्जी किसको ट्रांसमिट करेगा, फ्लूइड को। फ्लूइड क्या करेगा, अपना एनर्जी इस लिंक को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पर जो वेट रखा हुआ है वो ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए किसका यूज किया, फ्लूइड का यूज किया, है ना, फ्लूइड का यूज किया। तो ये कौन सा बनाएगा अपना, कौन सा लिंक बनाएगा अपना, फ्लूइड लिंक बनाएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ मशीन है ना, जिसमें एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लिंक कहलाता है। ये लिंक तीन टाइप के होते हैं, एक रिजिड होता है, रिजिड लिंक वो होता है जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड होता है फ्लेक्सिबल लिंक, वो लिंक जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। इसमें क्या बोल सकते हैं आप लोग, स्प्रिंग का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल लिंक के लिए। तीसरा क्या है, जब एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए फ्लूइड का यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फ्लूइड लिंक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ लिंक हो गया। ठीक है, अब देखो पेयर्स,
ये पेयर के बारे में स्टडी करते हैं। पहला देखो पेयर क्या रहता है, जब दो लिंग एक दूसरे से जुड़ता है तो पेयर बनाते हैं, जब दो लिंग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पेयर बनाते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ पेयर देखते हैं, टाइप्स ऑफ पेयर, ठीक है। इसको पहला क्लासिफिकेशन होता है, पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोशन ऑफ लिंक, ठीक है। जैसे कि लिंक कैसा मोशन करे उसके बेस पर पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला होता है इसमें टाइप ए होता है अपना टर्निंग पेयर, ठीक है। सेकेंड होता है अपना स्लाइडिंग पेयर। तीसरा होता है अपना रोलिंग पेयर। चौथा होता है अपना स्क्रू पेयर, ठीक है। पांचवा होता है अपना क्या होता है अपना स्फेरिकल पेयर, ठीक है। अब वन बाय वन क्या होता है ये देख लेते हैं। टर्निंग पेयर क्या होता है, एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट, एक लिंक अगर दूसरे लिंक के अबाउट टर्न कर रहा है, ठीक है, एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट टर्न कर रहा है, ठीक है। जैसे ये मेरा ये हाथ का ये वाला एलिमेंट लिंक वन है, दूसरा ये लिंक टू है, ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा अपना टर्निंग पेयर बनाएगा, ठीक है। ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, दूसरा लिंक इस तरीके से ये इसके अबाउट टर्न कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा अपना टर्निंग पेयर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये मानते हैं ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड है लिंक वन है और ये जो है अपना लिंक टू है, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है इस तरीके से लिंक, ये क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा अपना स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। ये इस तरीके का पेयर क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा, ठीक है। टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर समझ गए आप लोग। अब तीसरा आता है रोलिंग पेयर क्या होता है, जैसे कि ये मेरा मार्कर एक लिंक है, ये मार्कर एक लिंक है, ठीक है, ये मार्कर एक लिंक है और ये जो है ये जो अपना नोटबुक है ना वो दूसरा लिंक है, ये इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये देखो ये जो अपना मार्कर इसके अबाउट क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, तो ये जो पेयर बनेगा रोलिंग पेयर बनेगा, ठीक है। टर्निंग पेयर में टर्न हो रहा है, इसमें स्लाइड हो रहा है, इसमें रोल हो रहा है, ये रोल होता है, ये इस तरीके से रोल होता है, ठीक है, ये रोलिंग पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप लोग नट बोल्ट देखे होंगे है ना, उसमें क्या रहता है अपना स्क्रू पेयर यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे यहां पर देखिए थ्रेड्स बने हुए हैं, ये क्या करेगा उसके ऊपर मोशन करेगा, ये लिंक वन हो गया, ये लिंक टू हो गया। अब ये दोनों का रिलेटिव मोशन क्या होगा, जो मोशन यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, जो यहां पर जैसे थ्रेड्स बना हुआ उसके ऊपर एक कैप मोशन करेगा, वो मोशन क्या कहलाएगा आप लोगों का, स्क्रू मोशन कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया स्क्रू पेयर हो गया, ठीक है। अब चौथा होता है स्फेरिकल पेयर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे कि अगर राष्ट्रपति का भाषण देखे होंगे या तो कभी प्रिंसिपल रूम में गए होंगे, तो वहां पर पेन का स्टैंड रहता है, पेन का स्टैंड जिसमें पेन फिक्स करते हैं, वो क्या करता है जॉइंट से जुड़ा रहता है जो स्फेरिकल शेप का होता है, यहाँ इस तरीके का रहता है ना, इस तरीके का रहता है। अब देखो ये जो रहता है जिसमें पेन फिक्स किया वो लिंक वन आ गया, और जिस जो स्टैंड है जो बेस है उसका वो क्या हो गया, उसका दूसरा लिंक हो गया, और ज्वाइंट यह स्फेरिकल ज्वाइंट है उसमें जो मोशन होता है इस तरीके से मोशन होता है पेन का, वो क्या कहलाता है अपना स्फेरिकल पेयर कहलाता है, ठीक है। इसमें टर्न होगा, इसमें स्लाइड होगा, टर्न हो गया और स्लाइड हो गया, ये क्या हो गया टर्निंग पेयर हो गया और स्लाइडिंग पेयर हो गया। अगर रोल हो रहा है इस तरीके से रोल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा अपना रोलिंग पेयर हो गया। स्क्रू पेयर क्या होता है, जैसे कि थ्रेड में जो मोशन होता है, दो लिंक के बीच जो थ्रेड में मोशन होता है वो क्या कहलाता है स्क्रू मोशन। और स्फेरिकल पेयर जैसे स्फेरिकल ज्वाइंट से जुड़ा रहता है वो, है ना, ये एक फिक्स लिंक है स्फेरिकल ज्वाइंट से जुड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में ऐसा मोशन होता है वो क्या कहलाता है अपना स्फेरिकल पेयर कहलाता है, ठीक है। इसका दूसरा अपना और क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स ऑफ पेयर है उसका दूसरा क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन है ये है अपना बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, है ना। जो पेयर का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बी बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ लिंक्स, ठीक
ठीक है, फीलिंग्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना हायर पेयर होता है, हायर पेयर, ठीक है। सेकंड होता है अपना लोअर पेयर होता है, ठीक है, लोअर पेयर, ठीक है। अब देखो हायर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। हायर पेयर वो पेयर होता है जिसमें जिसमें दो लिंक के बीच, दो लिंक के बीच क्या होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, आइदर पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा या दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। आइदर पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, लाइन कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या बनाएगा, दो पेयर के बीच अगर पॉइंट कॉन्टेक्ट या लाइन कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो क्या बनाता है, हायर पेयर। अगर दो लिंक के बीच सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, अपना लोअर पेयर बनाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि यहां पर, यहां पर ये क्या है, ये क्या है, जैसे रोल होने वाला एलिमेंट, जब इसको ये लिंक से कॉन्टेक्ट होगा, ये लिंक वन हो गया, लिंक टू है, ये दोनों के बीच जो कॉन्टेक्ट रहेगा, इस तरीके का कॉन्टेक्ट है, इस तरीके से ये कॉन्टेक्ट है, इस तरीके से कॉन्टेक्ट है, तो देखना जब ये दोनों एक सर्फेस, दोनों सर्फेस एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक लाइन के थ्रू जुड़ेंगे। यहाँ पर जो लाइन है ना, ये जो अपने मतलब रोलिंग एलिमेंट है, रोलर के में जो लाइन है उसके थ्रू कॉन्टेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, एक लाइन कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक लाइन कॉन्टेक्ट होगा। लेकिन इसी में मैं एक बॉल को रख दूंगा, बॉल को रख दूंगा, ठीक है, जो स्फेरिकल शेप का रहता है उसको रख दूंगा, स्फेरिकल शेप का कोई एलिमेंट रख दूंगा, तो स्फेरिकल शेप का एलिमेंट जैसे कि इस, जैसे कि ये अपना बेस है, बेसिक बेस एलिमेंट है, उसके पीछे एक स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का इस तरीके से, हाँ ये स्फेरिकल एलिमेंट रख दूंगा, स्फेरिकल एलिमेंट रख दूंगा, ठीक है, स्फेरिकल है, ठीक है। अभी 2D दिख रहा है, अगर अगर इसको इमेजिन करो 3D है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिंक वन हो गया, ये लिंक टू हो गया, ठीक है, लिंक टू हो गया, ये दोनों के बीच कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है, पॉइंट्स हो रहा है, तो वहां पर क्या बनेगा, एक पॉइंट कॉन्टेक्ट। जहां पर लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है वहां पर जो पेयर बनता है वो रहता है हायर पेयर होता है, हायर पेयर होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, लोअर पेयर क्या होता है, जैसे सरफेस कॉन्टेक्ट, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये दोनों के बीच कॉन्टेक्ट क्या हो रहा है, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है, इसका ये सरफेस और ये सरफेस क्या हो रहा है, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पूरा सरफेस का कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अपना लोअर पेयर बनेगा। आप लोग स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़े हो, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो बनता है वो रहता है अपना स्लाइडर और जो बेस रहता है उसके बीच जो कॉन्टेक्ट होता है वो क्या रहता है, अपना सरफेस कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है। ये हो गया अपना पेयर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं अपन, ज्वाइंट, दो पेयर जिस पॉइंट से जुड़ते हैं, जिस पॉइंट से जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है, ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। दो पेयर जिस तरीके से जुड़ते हैं, जिस पॉइंट से जुड़ते हैं उसको ज्वाइंट कहलाते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ये होता है पहला बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है, बाइनरी ज्वाइंट हो गया। दूसरा होता है टर्शरी ज्वाइंट हो गया। तीसरा होता है अपना क्वार्टरनरी ज्वाइंट होता है, क्वार्टरनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट में क्या होता है, दो एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं, दो एलिमेंट एक पॉइंट से जुड़ते हैं, ये क्या हो गया, बाइनरी ज्वाइंट। जब तीन एलिमेंट किसी एक ज्वाइंट से जुड़ते हैं तो क्या हो गया, टर्शियरी ज्वाइंट। जो चार एलिमेंट एक पॉइंट से जुड़ते हैं तो क्या हो गया, अपना क्वार्टरनरी ज्वाइंट, ठीक है। ये ज्यादा टफ नहीं है, क्वार्टरनरी ज्वाइंट, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं काइनेमेटिक चेन में। अब क्या हुआ, देखो काइनेमेटिक चेन जब भी बात करूंगा आप लोग याद रखना, सबसे इजी आप लोग साइकिल का चेन देखे होंगे, सभी लोग बचपन में साइकिल चलाए होंगे, सभी को प्रॉब्लम आई होगी कि उसकी साइकिल की चेन कभी उतर जाती थी, तो सभी लोग मेरे ख्याल से चेन देखे होंगे, सभी अगर बचपन में खेले कूदे साइकिल चलाए तो सभी लोग चेन देखे होंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब पहला लिंक है, ये लिंक वन हो गया, ये लिंक वन हो गया, टू थ्री
पांच लिंक बनाते हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फाइव हो गया, ठीक है, फिफ्थ हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, पहला लिंक कौन सा है, लिंक वन है, लास्ट लिंक क्या है, लिंक फाइव है। ये दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, लिंक अगर फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से जुड़ता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अपने मशीन के अंदर, तो वो क्या बनाता है, चेन बनाता है। फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से जोड़ना चाहिए तो वो चेन बनाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसी लिंक, ये सब लिंक के बीच अगर रिलेटिव मोशन है, मतलब ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे और ये इधर जा रहे, तो अलग अलग डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, मतलब इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है अपना, काइनेमेटिक चेन कहलाता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन क्या होगा, उसमें दो चीज जरूरी है, पहला चीज क्या होना चाहिए, पहला लिंक लास्ट लिंक के साथ जोड़ना चाहिए, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कभी काइनेमेटिक चेन होगा जब उन सबके बीच क्या होगा, अपना रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या बनेगा, काइनेमेटिक चेन बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें से किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर दिया, इस तरीके से फिक्स कर दिया मतलब इसका मोशन को मैं क्या कर दिया, इसके मोशन को क्या कर दिया, मैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना, यहाँ पर बैरियर लगा दिया और इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें मोशन नहीं हो रहा, तो वो क्या बन जाएगा, अपना मैकेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है, ठीक है। अब इन्वर्शन क्या होता है, इन्वर्शन क्या होता है, जब ये तो फिक्स था तब मैकेनिज्म है, अब क्या करूंगा, अदर लिंक को फिक्स करूंगा, फिर सबकी मोशन की स्टडी करूंगा, फिर ये लिंक को फिक्स करूंगा, लिंक वन को फिक्स करूंगा, फिर सबकी मोशन की स्टडी करूंगा, मतलब वन बाय वन मैं क्या करूंगा, एक एक लिंक को फिक्स करके देखूंगा और उनकी मोशन की स्टडी करूंगा, तो वही स्टडी क्या कहलाती है, अपनी इन्वर्शन कहलाती है, ठीक है। इसको ये सीक्वेंस में वन बाय वन पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, इस सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस में याद रखोगे तो आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, ये रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले आप लोगों को एक टर्म समझना जरूरी है, एक टर्म समझना जरूरी है, जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये समझना जरूरी है, हिंदी में स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे पढ़ के आए हो लोग, जो 11th 12th करके आते हैं उनको नॉलेज रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कहाँ पर है, 3D स्पेस में, ठीक है, 3D स्पेस में। इसके कितने डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, एक तो जैसे कि हाँ, इसका एक्सेस पहले बना लेता हूँ, मैं एक्सेस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और आप ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, आपके डायरेक्शन आपके साइड से जा रहा है ना, वो जेड डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसके कितने पॉसिबल मोशन है देखते हैं, देखो ये क्या कर सकता है, पहले तो एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से स्लाइड कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में इस तरीके से स्लाइड कर सकता है। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, आप जेड डायरेक्शन में आपके साथ स्लाइड ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीन पॉसिबल मोशन है, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, तीन स्लाइडिंग मोशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। सिमिलरली क्या कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, जेड डायरेक्शन के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तीन रोटेटिंग मोशन की पॉसिबिलिटी, टोटल कितने, सिक्स टाइप्स ऑफ मोशन की पॉसिबिलिटी है, टाइप्स ऑफ मोशन की पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। अब देखो मशीन को भी मशीन एलिमेंट रहता है, ठीक है, मेरे पास मैच बॉक्स था, ये मैच बॉक्स है, ठीक है, ये मैच बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है। इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए, तो क्या है,
ये एक ही डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन है आपके डायरेक्शन में उसको स्लाइड कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, वाई डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो स्लाइडिंग मोशन कितना पॉसिबल है, एक पॉसिबल है, आपके डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, वाई डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये किसका पॉसिबल मोशन कितना है, अगर मैच बॉक्स का देखा जाएगा, तो इसकी पॉसिबल मोशन कितना है, एक स्लाइडिंग मोशन का पॉसिबिलिटी है, स्लाइडिंग मोशन की पॉसिबिलिटी है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो जाएगा, मतलब अगर 3D स्पेस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मतलब मोशन की पॉसिबिलिटी कितनी, 6 है, और ये अगर ऐसा एलिमेंट अपना तैयार है जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, तो वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक और दूसरा टर्म आता है, डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन, डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अपने पास कितने पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मोशन के, 6 पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, और हो कितने डायरेक्शन में मोशन रहे, वन डायरेक्शन में, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 माइनस DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा अपना, 5 क्या है, डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, 5 क्या है, डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन समझ आ गए। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई बी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, उसमें क्या रखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ठीक है, ये देखो इस तरीके से वी अपना इस तरीके से सिलेंड्रिकल एलिमेंट रखा हुआ है, वी शेप उसमें, ठीक है, अब देखो इसका पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप एलिमेंट है, ये सिलेंड्रिकल शेप एलिमेंट है, ठीक है, ये वी बॉक्स में रखा हुआ, वी बॉक्स में रखा हुआ, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या कर सकते, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, एक्स डायरेक्शन में स्लाइड नहीं कर सकता, वाई डायरेक्शन में कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, है ना, आपको जैसे वाई डायरेक्शन स्लाइड करने के लिए ऊपर भी जाना चाहिए नीचे भी जाना चाहिए, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, जेड डायरेक्शन में स्लाइड हो सकता है, जेड डायरेक्शन में स्लाइड हो सकता है, तो स्लाइडिंग मोशन कितना है, वन पॉसिबल है, ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इस डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के अबाउट ऐसे रोटेट हो सकता है क्या, कंप्लीट नहीं हो सकता, y डायरेक्शन के अबाउट इस तरीके से रोटेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन z डायरेक्शन के अबाउट इस तरीके से रोटेशन इसका पॉसिबल है ना, तो रोटेटिंग मोशन भी कितना है, वन पॉसिबिलिटी है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2 हो जाएगा, एक स्लाइडिंग होगा और दूसरा क्या होगा, रोटेटिंग होगा, और डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कितना हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, बेसिक है, आपको लिंक्स के बारे में मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना, इससे पहले अपन एक और टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ये है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक अभी लास्ट है, इसके बाद अपना आज का लेक्चर खत्म करूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, types of motion in machine element, ठीक है, मशीन एलिमेंट में टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, एक होता है अपना कंप्लीट कंस्ट्रेन मोशन, दूसरा होता है अपना इनकंप्लीट कंस्ट्रेन मोशन, ठीक है, इनकंप्लीट कंस्ट्रेन मोशन, तीसरा होता है अपना सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन, ठीक है, तीसरा टाइप होता है, अब देखते हैं कंप्लीट कंस्ट्रेन मोशन क्या होता है, ठीक है, अगर कोई भी मशीन एलिमेंट है,
उसका कोई भी मशीन एलिमेंट है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है तो उसको क्या बोला जाता है अपना कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है, मतलब उसको कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम वन से ज्यादा है, वन से ज्यादा है या ग्रेटर देन वन बोलते हैं, हाँ वन से ज्यादा है ठीक है, ग्रेटर देन वन है ठीक है, ग्रेटर देन वन है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाएगा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाएगा ठीक है। अगर हम लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम वन से ज्यादा है और बाकी साइड बैरियर क्रिएट कर देते हैं, बाकी साइड क्या कर देता हूँ मैं, बैरियर क्रिएट कर देता हूँ है ना, मतलब उसका पहले इनिशियली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा, फिर मैं डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब बाकी डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर देता हूँ वन कर देता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा हमला हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये देखो जैसे ये मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है ठीक है, मैच बॉक्स है, अभी क्या इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है तो ये क्या कहलाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा ठीक है। अगर इसको मैं इस तरीके से खोल दिया, इस तरीके से खोल दिया तो एक और डायरेक्शन इसको मोशन के लिए मिल जाएगा, मतलब इधर भी खोला इधर भी खोला तो एक डायरेक्शन इसको मोशन के मिल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन वन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन हो जाएगा ठीक है। फिर मैं पूरा साइड पूरा बैरियर क्रिएट कर दिया, फिर एक ही डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब ये अभी ये जो खुला हुआ पार्ट था उसको मैं बैरियर क्रिएट कर दिया, जैसे ये बैरियर लगा दिया यहाँ पर, और मतलब मैनुअली मैंने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन कर दिया, मैंने कुछ मैकेनिज्म के थ्रू इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जब अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए लिंक के लिए पढ़ेंगे तो उसमें कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आया उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता है, वन से ज्यादा है तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता है ना। इसको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो आया मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है स्ट्रक्चर बोला जाता है। स्ट्रक्चर जैसे कि आपका घर बना हुआ है, घर बना हुआ है तो घर में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि किसी डायरेक्शन में आपका घर मूव कर रहा है क्या, या कोई वॉल मूव कर रहा है क्या, नहीं तो वो क्या है वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है तो उसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव आता है, तो उसको क्या बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। मैं एक बार कंक्लूजन के तौर पर रख देता हूँ, अगर कंप्लीट कंस्ट्रेंट है तो उसका क्या हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वन रहता है। कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ग्रेटर देन वन। स्ट्रक्चर उसका डी ऑफ क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है जीरो होता है। सुपर स्ट्रक्चर वहां पर डी ऑफ क्या होता है अपना निगेटिव होता है ठीक है। तो इस तरीके से अपन कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई एलिमेंट दे दिया रहेगा, बहुत सारे लिंक के एलिमेंट दे दिया रहेगा, आप लोग फाइनली डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, अगर जीरो आया तो स्ट्रक्चर, वन आया तो कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, ग्रेटर देन वन आया तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, अगर निगेटिव आया तो सुपर स्ट्रक्चर, इस तरीके से कंक्लूड करो ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि कैसे करना है इसको ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं ठीक है। थैंक यू।